अगली खबर में बात करते हैं मुरैना की, जहां डिलीवरी के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने निजी अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का साफ कहना है कि उनकी लापरवाही से प्रसूता के ब्लीडिंग शुरू हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस ने प्रसूता का पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। घटना सोमवार की है। बता दें कि मुरैना के बागचीनी थानांतर्गत आने वाले तोर गांव निवासी खुशबू पत्नी प्रदीप गर्भवती थी। उसके परिजनों ने उसे शहर स्थित नारायणी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। भर्ती के कुछ देर बाद उसकी मरी हुई बच्ची ने जन्म लिया। इसके साथ ही उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। ब्लीडिंग शुरू होने पर नारायणी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इस पर युवती के परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए। जिला अस्पताल में उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे ग्वालियर रेफर कर दिया। उसके परिजन उसे एम्बुलेंस से ग्वालियर ला ही रहे थे कि रास्ते में टेकरी गांव के पास उसकी मौत हो गई। युवती की मौत के बाद उसके परिजन वापस नारायणी हॉस्पिटल पहुंचे तथा उन्होंने वहां हंगामा मचाना शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि उनके मरीज के साथ लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई और अधिक ब्लीडिंग होने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल परिजनों के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पहुंचते ही खत्म हो गई, तो खत्म तो यहां से ही हो गई। ब्लड बंद नहीं हुआ, ब्लड ब्लड की थोड़ी बहुत समस्या बता रहे थे वो। डॉक्टर पर कार्रवाई करना चाहते हैं हम तो, क्योंकि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से तो हुआ ही है।